हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे मेवाड़ के इतिहास के बारे में। दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको 8 वीडियो दिए थे जो अजमेर के चौहानों के थे। तो दोस्तों, वो पूरा करने के बाद कुछ दिन क्लास क्लियर रही, लेकिन दोस्तों मुझे कमेंट आ रहे हैं बार बार, जैसे सीट नजदीक आ रही है तो कमेंट आ रहे हैं कि वीडियो बनाई। तो दोस्तों, मैं आपके लिए क्लास लेके आ चुका हूँ। अब क्लास कंटिन्यू होगी, मैं आपको वही चीजें बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट होगी और वही चीज दोस्तों आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगी। चलिए गाइस, बात करते हैं मेवाड़ के बारे में। हम लोगों ने 8 वीडियोस के अंदर अजमेर के चौहान कंप्लीट कर लिए पूरे। अब चलिए गाइस, बात करते हैं मेवाड़ के इतिहास के बारे में। तो मेवाड़ के अंदर गाइस, सबसे पहले तो यहाँ पर गोहिलों का शासन था। उसके बाद हम लोग बात करें दोस्तों यहाँ पर और क्या क्या था। तो दोस्तों, इसका नाम जो मेवाड़ है ये दोस्तों किन कारणों से पड़ा, इसके 3 कारण है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर इसको एक नाम दिया था मेदपाट। ये नाम दोस्तों क्यों दिया जाता था, क्योंकि यहाँ पर एक जाति जनजाति जाति पाई जाती थी मेद जाति, इस कारण इसका नाम मेदपाट पड़ा। उसके बाद इसका एक और नाम है दोस्तों प्रागवाट। ये प्रागवाट नाम दोस्तों क्यों पड़ा, क्योंकि ये जो इलाका है वो है पठारी इलाका। क्योंकि आपको पता है कि मेवाड़ या उदयपुर उधर दोस्तों उस साइड का इलाका, तो ये पठारी इलाका होने के कारण इसको दोस्तों प्रागवाट बड़ा, यानी कि पठार वहां पे दोस्तों बहुत ज्यादा फैले हुए थे। यानी दोस्तों मेवाड़ गए जो पठारी इलाकों के अंदर ज्यादा फैला था, चित्तौड़गढ़ वहां पर, तो इसलिए गए ये पठारी इलाका होने कारण इसको प्रागवाट कहा गया। और इसका एक और नाम दोस्तों है यहाँ पर दोस्तों माध्यमिका। ये दोस्तों नाम इसको क्यों पड़ा, क्योंकि सीवी जनपद की राजधानी थी, इसलिए दोस्तों ये नाम पड़ा। तो दोस्तों ये था इसका यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों इनकी उत्पत्ति के बारे में, कि यहाँ पर इनकी जो उत्पत्ति है मेवाड़ के गोहिलों की वो कैसे हुई। तो इसके बारे में आपको पता है कि हम लोगों ने बहुत सारे यहाँ पर मत पढ़ते हैं, उन मत के हिसाब से आप लोगों को क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वैसे कोई कन्फर्मेशन इनकी नहीं मिलती है दोस्तों। उत्पत्ति चलिए देख लेते हैं। उत्पत्ति सबसे पहले आया था दोस्तों डी आर भंडारकर। ये क्या बोलते हैं दोस्तों, आप लोग यार एक बात याद रखना, जहां पर डी आर भंडारकर आ जाए ये दोस्तों बात करेंगे ब्राह्मणों से रिलेटेड, यानी इन्होंने बताया कि ब्राह्मणों से हुई। ये दोस्तों एक ही बात लेके चले हैं पूरे यहाँ पर इतिहास के अंदर, तो आप लोग इसका ध्यान रखना। गौरीशंकर हीराचंद ओझा इसका क्या करते हैं दोस्तों, इसका विरोध करते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखना। जहां पर इन्होंने ब्राह्मण माना वहां पर इन्होंने विरोध कर दिया। उसके बाद सेकंड दोस्तों कर्नल जेम्स टोड, ये मैं शॉर्ट के अंदर लिखा, कर्नल जेम्स टोड ने इन्होंने दोस्तों एक वल्लभी के शासक, वल्लभी है दोस्तों एक राजा राज्य, वल्लभी के शासक शिलादित्य और पुष्पावती की संतान इनको बताया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे आते हैं दोस्तों 3 नंबर अबुल फजल। ये अबुल फजल वाला दोस्तों बिल्कुल भी मतलब नहीं बैठता सेंस, लेकिन फिर भी आप लोग ध्यान रखना। ईरान का एक शासक बताया है दोस्तों नौशेरवा खान, इनकी संतान बताया दोस्तों, ये बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं सेट बैठता। तीसरा दो चौथा यहाँ पर है दोस्तों गौरीशंकर हीराचंद ओझा, ये दो है गौरीशंकर हीराचंद ओझा, इन्होंने इनको सूर्यवंशी बताया। ये है दोस्तों इनके उत्पत्ति के सिद्धांत। डी आर भंडारकर ब्राह्मणों से बताते हैं, गौरीशंकर हीराचंद ओझा इसका विरोध करते हैं, कर्नल जेम्स टोड ने वल्लभी के शासक शिलादित्य और पुष्पावती की संतान बताया है, अबुल फजल ने ईरान के नौशेरवा खान शासक है उसके संतान बताए, गौरीशंकर हीराचंद ओझा इनको सूर्यवंशी बताए, ये बात आप लोग ध्यान रखना। उत्पत्ति हो चुके दोस्तों, उत्पत्ति के अंदर दोस्तों यहीं से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, आप लोग इसको सीधा याद रखना, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। अब हम दूसरे इनकी बात करते हैं कि इनका जो संस्थापक था, पहला राजा था वो कौन था, उसके बारे में। अब दोस्तों हम लोग इनके एक एक राजाओं की बात करेंगे, उत्पत्ति हो चुकी है, हम लोग ये दोस्तों आपको जो इम्पोर्टेंट चीजें वही बता रहे हैं, वीडियो चल रहा है बड़े तरीके से। चलिए गाइस, पहला यहाँ पर शासकों की बात करते हैं, पहले ही बात करते हैं गोहिल, ये दोस्तों इनका पहला शासक।
गोहिल ने यहाँ पर दोस्तों मेवाड़ के राजवंश की स्थापना की और 566 ईस्वी में की, 566 ईस्वी में यहाँ पर उसकी स्थापना की गोहिल राजवंश की। गोहिल राजवंश की स्थापना ठीक है। और उसके बाद गाइस यहां पर आपको बता दें कि इसने सोने व चांदी के सिक्के चले, सोने व चांदी के सिक्के चले। अब दोस्तों कैसे पता चला कि इसने सोने व चांदी के सिक्के चलवाए, तो 1875 के अंदर आगरा जो है वहां पर दोस्तों खुदाई हुई और इस खुदाई के अंदर ये सिक्के मिले दोस्तों, सोने और चांदी के सिक्के, सोने प्लस चांदी के सिक्के यहाँ पर वो मिले। और दोस्तों इन सिक्कों के ऊपर जो नाम है वो लिखा हुआ है श्री गोहिल या सील लिखा दोस्तों, ये जो लिखा हुआ है ये नाम श्री गोहिल, इसलिए माना जाता है कि ये जो सिक्के हैं वो गोहिल ने चलाए थे और 566 ईस्वी के अंदर चलाए थे। यहाँ पर दोस्तों ये जानकारी मिल चुकी है कि यहाँ पर सोने और चांदी के सिक्के चलाए थे गोहिल ने। इनके शासनकाल से एक अभिलेख मिलता है, सामोरी अभिलेख, सामोरी अभिलेख। ये दोस्तों सामोली अभिलेख है, इसके अंदर दोस्तों यहाँ पर खुदाई की जानकारी वगैरह मिलती है। और ये सामोली अभिलेख इनका कालक्रम निर्धारित करता है। और आपको बता दें गाइस ये जो सामोली अभिलेख है ये मेवाड़ इतिहास का सबसे प्राचीन अभिलेख है। और ये दोस्तों अभिलेख है वो उदयपुर में स्थित है, आप लोग इन बातों का ध्यान रखना। और थोड़ी सी एक बात आप याद रखना कि ये 646 ईस्वी का अभिलेख है, सबसे प्राचीन अभिलेख है इनका। और यहाँ पर सुन ये जो खुदाई की जानकारी है वो जावर के अंदर मिलती है, जावर में खुदाई की जानकारी मिलती है क्योंकि यहाँ पर सोने और चांदी की खुदाई की जाती थी, आप लोग एक बार ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पर गए एक मंदिर की जानकारी मिलती है, अरण्यवासिनी के मंदिर की। ये है दोस्तों सामोली अभिलेख। ठीक है दोस्तों ये हो चुके श्री गोहिल, गोहिल हो चुके हैं। अब दोस्तों एक छोटी सी आपको जानकारी दे दें कि इनकी जो शाखाएं हैं, शाखाएं वो कर्नल जेम्स टोड और मुनोत नैन्सी, इनके अनुसार 24 है, मैं लिख देता हूं मुनोत नैन्सी 24 शाखाएं हैं। लेकिन गाइस एक बात आप लोग याद रखना, इन दोनों के अनुसार तो है 24, लेकिन गाइस एक यहाँ पर और है जिनका नाम है श्यामल दास, श्यामल दास का है वीर विनोद, श्यामल दास इनका दोस्तों ग्रंथ है वीर विनोद, इसके अंदर शाखाओं की जानकारी मिलती है 36 दोस्तों। एक मत तो ये भी नहीं है, लेकिन आप लोग ध्यान रखना आपसे पूछा जाएगा कि श्यामल दास के वीर विनोद के अनुसार मेवाड़ के इतिहास की शाखाएं यानी गोहिलों की शाखाएं कितनी है, तो आपको लिखने 36 और कर्नल जेम्स टोडर 24, ये आपको सिंपल पूछा जाएगा। तो ये है दोस्तों पहला गोहिल राजा। अभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट दे लीजिए, हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट राजा के बारे में। अगला जो इनका राजा है दोस्तों उसका नाम है बप्पा रावल। यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना मैं आपको बताऊंगा अभी दोस्तों। इनका जो तो वास्तविक नाम है, वास्तविक नाम इनका है कालबोज। ये पहले जब दोस्तों कोई जन्म प्रमाण पत्र नामजद कराना नहीं, जो मर्जी नाम रख लेते थे। वास्तविक नाम है कालबोज, एक ऋषि माने जाते दोस्तों हारित ऋषि। बोलते हैं कि इनके आशीर्वाद से राजा बने, आशीर्वाद से। अब दोस्तों आप सोचेंगे कि आशीर्वाद से कैसे राजा बन सकते हैं, ठीक है। ये कि जब आशीर्वाद मिल जाता है तो कॉन्फिडेंस आ जाता है।
उसके बाद गाइस इनके बात करें तो इन्होंने क्या क्या किया वो चीज देखिए आप लोग एक बार। इन्होंने अपनी राजधानी बनाई दोस्तों, राजधानी नागदा के अंदर में, राजधानी बनाई नागदा में, नागदा को अपनी राजधानी बनाया। और यहां पर क्या किया, एक मंदिर बनाया, कैलाशपुरी ये दोस्तों लाखोली संप्रदाय का मंदिर है। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों नागदा के अंदर एकलिंगनाथ का मंदिर बनाया, सॉरी यहां पर एकलिंगनाथ का मंदिर है, ये कैलाशपुरी के अंदर है एकलिंगनाथ का मंदिर लाखोली संप्रदाय का। यहाँ पर दोस्तों ये मिल चुके जानकर राजधानी नागदा को बनाया, कैलाशपुरी के अंदर एकलिंगनाथ जी का मंदिर बनाया नागदा के अंदर। और यहाँ पर दोस्तों इन्होंने क्या किया था, इन्होंने दोस्तों गजनी का एक शासक था सलीम, शासक सलीम को हरा दिया और वहां पर भाणजे अपने भाणजे को शासक बना दिया। और वर्तमान दोस्तों जो रावलपिंडी शहर है, रावलपिंडी शहर का नाम भी इनके नाम पर है, बप्पा राव के नाम पर है। और उसके बाद गाइस यहाँ पर इनके बारे में जानकारी मिलती है कि इन्होंने यहाँ पर दोस्तों एक मान मौर्य था, मान मौर्य दोस्तों कौन था, 734 के अंदर मान मौर्य को हराया था इन्होंने और चित्तौड़ को जीत लिया था। मान मौर्य दोस्तों ये चित्तौड़ पर शासन कर रहा था, मान मौर्य को हराया प्लस चित्तौड़ को जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया। यहां पर दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बोला था कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आने वाला क्वेश्चन है कि वह ऐसा कौन सा राजा था जिसने सर्वप्रथम चित्तौड़ को जीता था। मेवाड़ का यानी गुहिलों का ऐसा राजा, वह राजा जिसने सर्वप्रथम चित्तौड़ को जीता था, चित्तौड़ को राजधानी बाद में बनाया लेकिन यह सर्वप्रथम जीता किसने था उसके बारे में बात आपसे पूछे तो आप बताने बप्पा रावल। राजधानी बनाने वाला दूसरा शासक था जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो ये था दोस्तों बप्पा रावल के बारे में। इन्होंने दोस्तों सोने के सिक्के चलवाए थे जिनका वजन था 113 ग्रेन दोस्तों इसका वजन था। और उसके बाद 115 ग्रेन था। इनके उपाधियों के बारे में बात करते हैं, उपाधियों की बात कर लेते हैं, यहीं पे बात कर लेते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट देंगे तो आपको बेटर रहेगा। उपाधि चक्कवे, राजगुरु, ये गाइस इनकी कुछ उपाधि थी जिसके बारे में आप लोगों को पूछा जा सकता है कि चक्रवे उपाधि किसकी है, तो आपको बताने के बप्पा रावल की है। ये है दोस्तों बप्पा रावल, दो राजाओं की बात कर ली है, गोहिल और बप्पा रावल। मैं साइड में हो रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं अगले राजा के बारे में। उसके बाद गाइस राजा बना जिसका नाम था कुमार, क्या था दोस्तों कुमार नाम था कुमार। लेकिन गाइस ये ज्यादा देर तक नहीं टिक सका क्योंकि दोस्तों पता नहीं अयोग्य भी होते हैं शासन करने में, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर प्रशासन करने की जो होते नहीं है, मतलब क्या बोलते प्रशासन करने की क्षमता नहीं होती है, इसलिए गाइस ये नहीं रह पाया राजा। नेक्स्ट राजा बना अलहट, उसके बारे में बात करते हैं। इसको मैं हटा रहा, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, यदि नहीं भी लिया तो आप लोग मुझे कमेंट कर देना, मैं ये सब चीजें टेलीग्राम के अंदर आपको प्रोवाइड करा दूंगा नोट्स। ठीक है, अगले राजा की बात करते हैं। राजा है दोस्तों अगला अलहट, अलहट बोलते हैं इसको। यहां पर दोस्तों क्या हुआ, सबसे पहले इनकी इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, इनके जो इन्होंने क्या किया दोस्तों। सबसे पहले तो आपको पता है कि बप्पा रावल ने इनकी राजधानी बनाई थी नागदा को,
लेकिन इन्होंने दोस्तों आहड़ को अपनी एक आहड़ को उपराजधानी बनाया। आहड़ को उपराजधानी बना लिया इन्होंने। आहड़ के अंदर वराह मंदिर का निर्माण करवाया और उसी के साथ गए यहाँ पर और कुछ जानकारी मिलती है आप लोग देखिए। उपराजधानी आहड़ को बना दिया था, हसपुर नगर इन्होंने बसाया था। और इसी के साथ दोस्तों मेवाड़ के अंदर नौकरशाह की स्थापना करते हैं, यानी हर्षपुर नगर बसाया और मेवाड़ के अंदर नौकरशाह की स्थापना। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करें इनकी माता का नाम, आप लोग देख लीजिए इंट्रोडक्शन के अंदर महालक्ष्मी था जो कि राष्ट्रकूट थी। पत्नी की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी बात करके अंश डाल लेता हूँ। पत्नी का नाम था ये जो हूण राजकुमारी थी हरिया देवी। ये दोस्तों अलर्ट के बारे में जानकारी, यहाँ पर दोस्तों इनके बारे में इतनी जानकारी मिलती है, ज्यादा कोई जानकारी है नहीं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट राजा की बात करते हैं। तीन राजा हम लोगों ने पढ़ लिए हैं मेवाड़ के। चौथे दोस्तों बात करते हैं जिनका कोई ज्यादा योगदान नहीं रहा लेकिन बात करनी पड़ेगी, शक्ति कुमार। इनके शासनकाल में एक तवल का दृष्टिकोण अभिलेख मिलता है। यही जानकारी मिलती है दोस्तों शक्ति कुमार के बारे में, ज्यादा कुछ नहीं है। मालवा के शासक मोहन परमार का इनके शासनकाल में आक्रमण हुआ था उसके बारे में जानकारी मिलती है, तो वो आपको थोड़ी सी मैं समझा देता हूँ कि यहाँ पर दोस्तों इनके शासनकाल में मालवा का शासक था मोहन प्रतिमार, उसका दोस्तों क्या हुआ था, आक्रमण हुआ था इनके शासनकाल में। और उसके बाद गए थे इनके शासनकाल में हस्तिकुंडी का धवल का हस्तिकुंडी अभिलेख मिलता है जो कि 997 ईस्वी का है। 997 ईस्वी का ही जो अभिलेख है वो है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों कोई ज्यादा चीज लिखने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट राजा रहे रणसिंह, या फिर इनको बोलते हैं हम लोग करण सिंह। ये रहे दोस्तों अगले राजा। तो इनके बारे में बात करते हैं दोस्तों, इनके बारे में क्या था, इनके बारे में ये था कि ये दोस्तों जो राजा रहे इनके शासनकाल से आपको पता है कि महाराणा प्रताप जो थे वो सिसोदिया थे लेकिन ये थे दोस्तों गोहिल। तो ये दोस्तों कैसे हुआ कि लास्ट महाराणा प्रताप ने यहाँ पे शासन किया और वो मेवाड़ के राजा थे दोस्तों। तो इसके बारे में दोस्तों आपको बताए थे कि राणा और यहाँ पर दोस्तों राणा एक दोस्तों राणा और एक दोस्तों यहाँ पर इनकी शाखा थी रावल, यानी महाराणा बोलते हैं और इनको बोलते हैं रावल रण सिंह रावल शक्ति कुमार। दोस्तों यहाँ पर रावल प्लस राणा ये दोस्तों शाखा ही बन यहाँ पर दोस्तों विभाजित हुई। ये शाखा इन्हीं के शासनकाल से यहाँ पर विभाजित हुई। कैसे हुए दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों रावल थे वो मेन राजा थे लेकिन ये जो राणा थे इनको एक ठिकाना दिया गया था सिसोदा, और इन सिसोदा ठिकाने के जो राजा थे इनको बोला गया सिसोदिया, सिसोदिया सरदार इनको बोलते हैं। तो वो है दोस्तों ये बाद में महाराणा प्रताप भी यहां से आए क्योंकि क्या हुआ कि रावल रतन सिंह के शासनकाल में जो चित्तौड़ का शाखा हुआ था 1303 के अंदर, उसके अंदर गए यहाँ पर शासनकाल उनका नहीं रहता है, यहाँ पर मुस्लिमों का शासन आ जाता है। उसके बाद क्या होता है कि हामिर जो दोस्तों यहाँ का राजा बनता है पहला राणा शासक, जिसके बारे में बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, तो दोस्तों तब से यहाँ पर वो ये सिसोदियों का शासन यहाँ पे आया था। तो ये दोस्तों रावल और राणा शाखा का विभाजन भी यही से हुआ था, रण सिंह या फिर कर्ण सिंह के बाद। उसके बाद एक शासक बने दोस्तों श्याम सिंह। इनके बारे में भी कोई ज्यादा जानकारी है नहीं,
हाँ दोस्तों, उसके बारे में छोटी सी जानकारी मैंने आपको बताई थी। इनका जो पुत्र था जिसका नाम था सामंत सिंह, सामंत सिंह आप लोगों ने सुना होगा। सामंत सिंह से दोस्तों कीर्तिपाल सोंद्रा ने, मैंने आपको जब पढ़ाया था अजमेर का सुखा, कीर्तिपाल सोंद्रा ने इनसे मेवाड़ जीत लिया था, चित्तौड़ जीत लिया दोस्तों। कीर्तिपाल सोंद्रा ने इनसे मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था। कीर्तिपाल सोंद्रा ने मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था इनके शासनकाल में। ये दोस्तों जानकारी मिलती है सैम सिंह के बारे में। और वागड़ का, वागड़ के, वागड़ के अंदर जो वागड़ क्षेत्र है, वागड़ क्षेत्र में गुहिल वंश की स्थापना का श्रेय जो है वो इनको जाता है, सैम सिंह को। उसके बाद इस तराइन के युद्ध में इनकी मृत्यु हो गई थी, तराइन के युद्ध में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये दोस्तों हम लोगों ने तीन राजा पढ़ लिए, शक्ति कुमार, रण सिंह, सैम सिंह। शक्ति कुमार के अंदर धवल का अस्थि कुंड अभिलेख मिलता है 997 ईस्वी का, ये जो अभिलेख है। और उसके बाद बात करें हम लोग तो रण सिंह या फिर कर्ण सिंह की, यहाँ पर इनके शासनकाल रावल और राणा साहब का विभाजन हो चुका था। इनको दिया गया दोस्तों सिसोदिया ठिकाना, सिसोदा ठिकाना दिया गया था। सैम सिंह इनके पुत्र थे सामंत सिंह, जिनसे दोस्तों कीर्तिपाल सोंद्रा ने मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था। अब हम लोग नेक्स्ट राजा के बारे में बात करते हैं। आप लोग देखते रहिए वीडियो को एंड तक। उसके बाद दोस्तों शासक बना कुमार सिंह, जब दोस्तों कीर्तिपाल सोनगरा ने सामंत सिंह से मेवाड़ जीत लिया था तो इन्होंने वापस जो है मेवाड़ पर अपना अधिकार किया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला जो एक शासक बचता है, या दोस्तों बचता तो क्या है लेकिन मैं अभी आपको यही बताऊंगा, इसके बाद आगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। जैत्र सिंह, जैत्र सिंह दोस्तों अगला शासक बचता है। जैत्र सिंह के शासनकाल में दोस्तों एक यहाँ पर युद्ध हुआ था जिसके बारे में बात करते हैं, भूताला का युद्ध। अभी दोस्तों एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आने वाला है भूताला का युद्ध के बाद, इसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। भूताला का युद्ध ये हुआ दोस्तों 1227 ईस्वी के अंदर, किस किस के बीच हुआ? तो यहाँ पर दोस्तों एक था इल्तुतमिश वर्सेज जैत्र सिंह। इस युद्ध के अंदर क्या हुआ, सबसे पहले तो इस युद्ध के अंदर जीत तो हुई थी जैत्र सिंह की, लेकिन आपको पता है कि इनकी राजधानी थी नागदा, जहां पर दोस्तों कोई भी इतनी ज्यादा सुरक्षा की दृष्टि से कोई चीज है नहीं। तो इल्तुतमिश दोस्तों वापस जाता हुआ इसने क्या किया, नागदा को लूट लिया, यानी इनकी राजधानी के अंदर जो भी चीज थी उनको लूटा। और ये दोस्तों हारने के बाद भी वैसे जीता हुआ मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दोस्तों जीत इनकी हुई थी। तो इसने क्या किया, नागदा को लूट लिया था। तो दोस्तों इन्होंने सोचा कि हाँ राजधानी कहीं भी चेंज करनी पड़ेगी। तो दोस्तों सबसे पहले तो इस युद्ध की जानकारी मिलती है हमीर मदमर्दन से, ये दोस्तों एक ग्रंथ है। अब ये ग्रंथ किसका है दोस्तों, तो ये है यहाँ पर दोस्तों जो जय सिंह, यहाँ पर दोस्तों जो इनके जानकारी है वो जय सिंह सूरी की बुक, ये दोस्तों शायद इनकी बुक थी, उसके बारे में जानकारी मिली, लेकिन आपको जानना था मुझे उसका पूरा कन्फर्मेशन नहीं है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करने की। हमीर मदमर्दन से इसकी जानकारी मिलती है, ये बुक किसके आप लोगों को बता देते कमेंट में बता देना। यहाँ पर दोस्तों भूताला का युद्ध हुआ, तो दोस्तों इसने क्या किया जैत्र सिंह ने बाद में, यहाँ पर दोस्तों जो मेवाड़ के अंदर जिनका शासन था प्रतिहारों का, परमारों का शासन था मेवाड़ के अंदर दोस्तों, सॉरी मेवाड़ की बात नहीं चित्तौड़ की बात करें, चित्तौड़ को वापस जीत लिया था दोस्तों। यहाँ पर चित्तौड़ के अंदर परमारों का शासन था, परमारों को इसने क्या किया हराया और चित्तौड़ को जीत लिया। जीतने के बाद क्या किया, चित्तौड़ को राजधानी इसने बना लिया, चित्तौड़ को राजधानी बनाया। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, दो क्वेश्चन आपको मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं ध्यान रखना। पहला तो वह राजा जिसने सर्वप्रथम चित्तौड़ जीता, वो था बप्पा राव। और नेक्स्ट गाइस बात करें हम लोग, वह राजा जिसने चित्तौड़ को सर्वप्रथम राजधानी बनाया, जीत तो बप्पा राव ने लिया था लेकिन
सर्वप्रथम राजधानी किसने बनाया था? वो था जेतर सिंह। ये है दोस्तों जेतर सिंह के बारे में जानकारी। जेतर सिंह दोस्तों भोतला के युद्ध 1227 ईस्वी के अंदर पिलतुतमिस से दोस्तों जेतर सिंह था जीत हुई थी दोस्तों जेतर सिंह की, लेकिन नागदा को पिलतुतमिस ने लूट लिया था, क्योंकि नागदा दोस्तों सुरक्षा की दृष्टि से उतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थी। इसलिए गाइस क्या हुआ कि इसने नागदा को लूट लिया, तब इनके दिमाग में आया कि हमें राजधानी कहीं और शिफ्ट करनी चाहिए। तो इसने फिर दोस्तों चित्तौड़ के अंदर परमारों को शासन था, इन परमारों को हरा दिया और चित्तौड़ को राजधानी बना लिया। और मैंने आपको दो क्वेश्चन बताए, चित्तौड़ को प्रथम जीतने वाला शासक था बप्पा रावल, और चित्तौड़ को सर्वप्रथम राजधानी जेतर सिंह ने बनाई थी। ये दोस्तों आज का पूरा वीडियो था। आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। हम लोग नेक्स्ट वीडियोस के अंदर बात करेंगे तेज सिंह के बारे में, तेज सिंह के बाद समर सिंह और रतन सिंह के बारे में बात करेंगे। रतन सिंह के बाद रेस बात करेंगे हम लोग चित्तौड़ के प्रथम शाके की, जो हुआ था 1303 में, जो रानी पद्मिनी, और दोस्तों वो आपको बताएंगे पूरी इन्फॉर्मेशन। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर इनके दोस्तों जो राणा हमीर है उनके बारे में, क्योंकि इस शाके के बाद यहाँ पर आ चुका था सिसोदियों का शासन, उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलता। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।